Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Jha Academy, and this is me Suleiman. So today we will go through the organelles of the cell: vesicles, lysosome, matrix, centrioles, blastocysts and chloroplast. So हमने जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए. तो आज हम जो है वेजिकल्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट जो डिस्कस करेंगे. तो अगर हम जो है बात करते हैं वेजिकल्स पे, वेजिकल्स वेजिकल्स आर स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स. Vesicles are spherical membrane that facilitate metabolism, transportation and storage of molecules. तो वेजिकल्स का जो काम होता है वो ये होता है कि या तो ये मेटाबॉलिज्म फैसिलिटेट कराते हैं. मेटाबॉलिज्म का मकसद होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, या एक चीज़ को जो है दूसरी जगह तक जो है पहुँचाने में काम आते हैं, या हमारे पास स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल को स्टोर करने में जो है मदद करते हैं. ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो वेजिकल्स का काम होता है. वेजिकल्स स्पेशल काइंड की होती हैं. कुछ वेजिकल जो कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती हैं. कुछ वेजिकल स्टोरेज वेजिकल्स होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करती हैं. मतलब एवरी वेजिकल्स हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो हर वेजिकल का अपना फंक्शन होता है. कोई मेटाबोलिज्म करवाती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, कोई स्टोरेज ऑफ मोलिक्यूल करवाती है. और हमारे पास जो वेजिकल्स हैं वो हमारे पास कहाँ बनते हैं? वेजिकल्स आर फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, हमारे पास जो वेजिकल्स होती हैं वो एक्चुअली गोल्जी बॉडीज से बनती हैं, या तो गोल्जी बॉडीज में बनती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनती हैं, और हमारे पास फ्रॉम द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पार्ट से जो है हमारे पास वेजिकल्स बनती हैं. ठीक है, वेजिकल्स हमारे पास, उनका काम क्या होता है? मेटाबोलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं तो हम लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, स्टोर मॉलिक्यूल्स. तो मतलब जिस काइंड की हमारे पास वेजिकल्स होगी उसका काम वही होगा. एग्जाम्पल, हमारे पास ट्रांसपोर्ट है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगी मॉलिक्यूल, अगर स्टोरेज की है तो वो स्टोर करेगी. ठीक है, जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज में वेजिकल्स होती हैं, जो कि प्रोटीन को हमारे पास मॉडिफाई, जो गोल्जी बॉडी हमारे पास प्रोटीन को मॉडिफाई एंड पैकेज करके फिर वेजिकल्स में इंसर्ट कर देता है, तो वेजिकल्स उसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं प्रोटीन्स को. ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स मौजूद होते हैं. तो वेजिकल्स सिंपली ये जो फंक्शंस होते हैं वेजिकल्स के, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बनते कहाँ पे हैं? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल मेम्ब्रेन्स के पार्ट से बनते हैं. उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट वेजिकल हैं तो ट्रांसपोर्ट करेंगे मॉलिक्यूल को, स्टोरेज वेजिकल्स हैं तो हमारे पास स्टोर करेंगे मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है लाइजोसोम्स. अगर लाइजोसोम की बात करते हैं हमारे पास, लाइजोसोम की बात करते हैं तो लाइजोसोम हमारे पास क्या होता है कि लाइजोसोम हमारे पास एक्चुअली जो है उसमें पावरफुल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है मौजूद होते हैं. लाइजोसोम्स में हमारे पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं
लाइसोसोम कंटेन पावरफुल पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर लाइसोसोम्स में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है तो उसका मकसद ये होगा लाइसोसोम्स हमारे पास डाइजेशन करवाने में मदद करता है, और हमारे पास लाइसोसोम्स जो है एक्चुअली हमारे पास जो सेल डेड हो जाते हैं व्हेन सेल डाइज, व्हेन सेल डाइज, तो वो क्या करता है कि लाइसोसोम जो सेल मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं तो उन सेल को डाइजेस्ट कर देता है। व्हेन सेल डाइज लाइसोसोम डाइजेस्ट इट, लाइसोसोम डाइजेस्ट इट, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। जब सेल हमारे पास डाई हो जाता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास लाइसोसोम में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में काम आते हैं। हमारे पास एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज होती है या 3 और 4 मंथ्स होती है, तो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर उनको डाइजेस्ट करना लाइसोसोम का काम होता है, या कोई और हमारे पास जो सेल्स हैं वो डेथ हो जाते तो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं तो लाइसोसोम जो है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी हमारे पास डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, मतलब कि ये लाइसोसोम एक्चुअली हमारे पास क्या करता है डाइजेशन करवाने में मदद करता है। तो लाइसोसोम जो है उनसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल जब डाई हो जाता है उसको भी डाइजेस्ट करता है, उसके बाद और जो कई चीज़ें हैं हमारे पास उनको भी डाइजेशन करवाने में मदद करता है। एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है लाइसोसोम हमारे पास डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं तो हमारे पास आता है वैक्यूल, अगर वैक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास अच्छा लाइसोसोम हमारे पास लाइसोसोम भी हमारे पास कहाँ बनता है गोल्जी बॉडीज में। ठीक है, लाइसोसोम हमारे पास कहाँ बनता है गोल्जी बॉडीज में, लाइसोसोम हमारे पास बनता है। ठीक है, और वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में भी बनता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनता है, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट से भी बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं वैक्यूल पे, वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वैक्यूल्स जो है वो एक्चुअली फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। वैक्यूल्स हमारे पास फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड होता है वैक्यूल्स में जो है हमारे पास। वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में एक होता है लार्ज एंड एनिमल सेल में फ्यू वैक्यूल्स होते हैं। आपके बुक में लिखा है कि वैक्यूल्स जो है एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन वो गलत है। ठीक है, हमारे पास एनिमल सेल में भी जो है वैक्यूल पाए जाते हैं, फ्यू होते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। तो वैक्यूल्स हमारे पास फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, और वैक्यूल्स में हमारे पास क्या होता है सेल शेप होता है, सेल शेप जिसमें हमारे पास वाटर आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या सेल शेप भी होता है हमारे पास, और वैक्यूल की जो हमारे पास परमीएबल जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के ऊपर, ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इस कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हमारे पास वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारे पास वैक्यूल के हो, वैक्यूल की जो हमारे पास काम होते हैं वो होता है हाइड्रोलाइसिस होता है, फंक्शंस ऑफ जो हमारे पास अगर कहें फंक्शंस ऑफ वैक्यूल तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो जाए, एक्सक्रिएशन ऑफ सेलुलर वेस्ट होता है, एक्सक्रिएशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक
एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं वेक्यूल्स के। ठीक है, हम कहते हैं कि वेक्यूल का फंक्शन क्या है, वेक्यूल का फंक्शन है वाटर और उसको जमा करना, लेकिन नहीं, वेक्यूल के फंक्शन खास होते हैं हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, एक्सक्रिएशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमारे पास वेक्यूल के जो फंक्शंस होते हैं, वेक्यूल में फ्लूइड फिल्स मतलब स्पेसेस होते हैं, वाटर एंड अमाइनो एसिड सेल शेप होते हैं, वेक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, ये जो हमारे पास है वेक्यूल के फंक्शन होते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं सेंट्रियोल्स पर, वाटर को भी स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड वाटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर को भी हमारे पास स्टोर करता है। ये हमारे फंक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं सेंट्रियोल्स पर, तो सेंट्रियोल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेंट्रियोल्स जो है वो स्पेशल जो है हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं वो हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, सेंट्रियोल्स हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं। उस सेंट्रियोल्स में हमारे पास 27 माइक्रोट्यूबल्स जो है अरेंज्ड होती हैं। हमारे पास सेंट्रियोल्स में सेंट्रियोल्स कंटेन 27 माइक्रोट्यूबल्स, 27 माइक्रोट्यूबल्स अरेंज्ड इन ट्रिपलेट एंड रो, अरेंज्ड इन ट्रिपलेट इन रो। हमारे पास सेंट्रियोल्स में 27 माइक्रोट्यूबल्स होती हैं, और वो हमारे पास तीन तीन जो है वो रो में होती हैं, ठीक है, तीन के पेयर्स में हमारे पास जो है ये सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं। 27 इसमें माइक्रोट्यूबल्स होते हैं और हमारे पास ट्रिपलेट इन रो होते हैं, और हमारे पास जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली मीट करते हैं, जब दो सेंट्रियोल हमारे पास ये परपेंडिकुलरली मीट करते हैं, एक सेंट्रियोल में हमारे पास 27 माइक्रोट्यूबल्स ट्रिपलेट एंड रो होती हैं। एग्जाम्पल ये अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास तीन हो गई, उसके बाद हमारे पास तीन और एक हम साथ बना देते, ये इस तरह से जो है हमारे पास ये सेंट्रियोल्स की जो है मतलब हमारे पास शेप होती है, तीन तीन के रो में 27 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं एक सेंट्रियोल्स में, और जब ये हमारे पास दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली मिलते हैं, जब दो सेंट्रियोल हमारे पास परपेंडिकुलरली मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। जब दो हमारे पास सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली मिलते हैं तो उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद सेंट्रोसोम भी बन गया, सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास इसका फंक्शन जो है वो सेल डिवाइड होने वक्त होता है, ठीक है, सेल डिवीजन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या करवाता है कि क्रोमोसोम्स को करेक्ट लोकेशन पर, एक्यूरेट लोकेशन पर जो है वो मतलब कि होल्ड करता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रोफेज में तो बराबर इतना फंक्शन जो है होता है, लेकिन जो हमारे पास मेटाफेज होता है दूसरा फेज, उसमें क्रोमोसोम जो है वो ऐसे इक्वेटर पर जो है वो एक्चुअली जब अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर क्रोमोसोम मेटाफेज में सेलडर, तो ये जो है सेंट्रियोल उसको मदद करते हैं कि ये जो है एक्यूरेट लोकेशन पर अरेंज हो जाए। या एग्जांपल हम कहें कि ये जो अपोजिट पोल्स पर जो है मूव करते हैं वो भी स्पिंडल फाइबर्स के तहत मूव करते हैं, उसमें भी सेंट्रियोल्स का बहुत बड़ा काम होता है। बहरहाल सेंट्रियोल्स हमारे पास सेल डिवाइड होने में काम आते हैं। उसके बाद इसमें सेंट्रियोल्स में एक सेंट्रियोल्स में 27 माइक्रोट्यूबल्स अरेंज होते हैं, ट्रिपलेट इन रो, दो सेंट्रियोल्स मिलते हैं तो उसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिड्स हमारे पास जो है वो एक्चुअली प्लास्टिड्स, ठीक है, तो प्लास्टिड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिड्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्चुअली केमिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स हमारे पास केमिकल्स होते हैं एंड पिगमेंट्स, एंड पिगमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास प्लांट्स को कलर देते हैं, ठीक है,
प्लास्टर्स हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, स्टोरेज करते हैं केमिकल को, साइट ऑफ केमिकल, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं। प्लास्टर्स जो है एक्चुअली तीन किस्म के होते हैं, थ्री काइंड्स के हमारे पास प्लांट्स में, ठीक है। प्लास्टर्स हमारे पास प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, हमने डिफरेंस पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, पहली वीडियोस में। तो प्लास्टर्स जो है अगर हम कहते हैं थ्री काइंड्स के होते हैं हमारे पास, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये तीन किस्म के हमारे पास प्लास्टर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास प्लांट को ग्रीन कलर देता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव ग्रीन कलर टू प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये जो हमारे पास प्लांट्स इन अल्जाइज में, ट्रीज इन अल्जाइज में हमारे पास काफी ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो हमारे पास इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर के, एक्सेप्ट हमारे पास जितने भी कलर हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो, ठीक है। ये जो हमारे पास कलर्स हैं, ये इट इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव येलो रेड कलर टू द प्लांट्स। तो उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ऑटम लीव्स जो होते हैं हमारे पास, ऑटम लीव्स, उसके बाद रिपनिंग फ्लावर्स, रिपनिंग फ्रूट्स, और फ्लावर्स में हमारे पास कुछ जो है येलो कलर या रेड कलर होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट हमारे पास वो पिगमेंट है जो कि रेड येलो वगैरह कलर देने के लिए काम आता है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट में नो एनी कलर, ठीक है, नो एनी कलर भी कह सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं कि व्हाइट कलर देने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। व्हाइट कलर जो है इसलिए कहते हैं कि व्हाइट कोई हमारे पास कलर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि नो एनी कलर ल्यूकोप्लास्ट में, या ल्यूको का मकसद व्हाइट होता है, या आप व्हाइट कलर भी कह सकते हैं, या नो एनी कलर। तो ये तीन हमारे पास जो है प्लास्टर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देने के लिए हमारे पास काम आता है, क्रोमोप्लास्ट जो है अदर देन ग्रीन कलर्स, और हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो है व्हाइट कलर देने के लिए, या नो एनी कलर देने के लिए, कोई भी कलर नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये तीन हमारे पास प्लास्टर्स होते हैं, जो कि अच्छा काफी जो है हमारे पास एक्चुअली जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स है, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास, हम अगर उनसे पूछें तो ग्रीन कलर कौन देता है हमारे पास प्लांट्स को, अगर हम कहें क्लोरोफिल देता है या क्लोरो हमारे पास प्लास्ट देता है, तो वो कहते हैं कि क्लोरोफिल देता है, ठीक है। क्लोरोफिल कोई कलर नहीं देता है, क्लोरोफिल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर देता है हमारे पास प्लास्टर से। अच्छा क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो अब क्लोरोप्लास्ट पर चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में अगर हम पढ़ें, अगर क्लोरोप्लास्ट जो है उसको हम डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ें तो क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन होती है, उनमें जो है फ्लूइड होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं थैलिकॉइड्स, ठीक है। हमारे पास होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं, ये होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट में जिसे हम कहते हैं थैलिकॉइड्स। और ये इस पूरे स्टैक को जो है, इस पूरे स्टैक को, एक पूरे लेडर को जिसमें हमारे पास थैलिकॉइड्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, थैलिकॉइड होते हैं, तो उस पूरे स्टैक को हम कहते हैं ग्राना या ग्रेनम। स्टैक ऑफ थैलिकॉइड इज कॉल्ड
ग्रना या ग्रेनम, ठीक है। तो स्टैक ऑफ थैलेकोइड को हम कहते हैं ग्राना, होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकोइड कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो उसमें अंदर फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, और इसमें हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। थैलेकोइड के मेम्ब्रेन्स पर, थैलेकोइड के ऊपर क्लोरोफिल होता है जो को सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल हमारे पास सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और ये कहाँ मौजूद होता है, थैलेकोइड्स के ऊपर, ठीक है। और थैलेकोइड्स के ऊपर हम बात करते हैं तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स भी होते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन होता है और फोटो सिस्टम टू होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास थैलेकोइड्स के ऊपर होते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम कहते हैं कि जो पिगमेंट्स हैं वो क्रिस्टल के शेप में मौजूद हो, पिगमेंट्स हमारे पास एक ग्रुप के शक्ल में मौजूद हो उसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो पिगमेंट्स काफी हमारे पास थैलेकोइड्स में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू कहते हैं। फोटो सिस्टम का मकसद ये होता है कि हमारे पास पिगमेंट्स जो है वो क्लस्टर्स में मौजूद हो और जो है मौजूद हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में आ जाती हैं, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो इस मेम्ब्रेन पर होता है, थैलेकोइड के ऊपर, थैलेकोइड के ऊपर होता है जहाँ पर हमारे क्लोरोफिल जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल हमारे पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है, ये हमारे पास थैलेकोइड्स के ऊपर मौजूद होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को हमारे पास एब्जॉर्ब कर लें। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास थैलेकोइड पर होता है, या हम कहते हैं कि जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो हमारे पास कहाँ पर होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास थैलेकोइड्स पर होता है, थैलेकोइड्स की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास जो है जो लाइट पे डिपेंड करता है सनलाइट की, हमारे पास थैलेकोइड्स पर होता है, क्योंकि थैलेकोइड पर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ऑर्गेनल्स समझ में आ गए होंगे। तो ऑर्गेनल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।